वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ब्रेनी आउल चैनल। आज हम रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन का, तो साथ साथ में हमें ये टर्म्स भी समझ आ जाएंगे और आपको याद रखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इनको फ्रैक्शन में लिखें तो 4 अपॉन x, ये मीन प्रोपोर्शन है, इज इक्वल टू x अपॉन 9। तो यानी कि x जो है वो दो बार आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 9 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को कि मीन स्क्वायर इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और ये 4 × 9 = 36 होता है, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 आ जाएगा। तो यानी कि इनका मीन प्रोपोर्शन 6 है, तो ये इसका मीनिंग है। तो इसका बेसिकली मीनिंग वैसे क्या है, लिटरल मीनिंग इसका ये बन रहा है कि 4 upon 6 इज इक्वल टू 6 upon 9। यानी कि अब हमारे पास आंसर x 6 जो आ गया उसको आप पुट कर रहे हो x की जगह, तो आप देख सकते हो कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 and 24। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये हमें फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, ये मीन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द मीन, यानी कि इसको आपको दो बार लिखना है, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हम x बोल देते हैं, वो यहाँ पे आएगा। यानी कि जो सेकेंड वैल्यू है ये मीन है, ये इसका मीनिंग है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x इज इक्वल टू 24 × 24। तो इसको हमने सिंपली कट कर देना है, तो 6 4 आ जाएगा, 4 × 24 = 96। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ रहा है 96, ये हमारा आंसर है। तो याद रखना कि थर्ड प्रोपोर्शन में ये जो सेकंड टर्म होती है वो मीन प्रोपोर्शन दिया होता है, यानी कि वो 2 times आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन तो सिंपली यही है कि ये फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो थर्ड का और एक्स के साथ होगा वो सेम होगा, यानी कि 36 का एक्स के साथ जो होगा वो सेम होगा। 8 और 24 का रेशियो और 36 और एक्स का रेशियो वो सेम होगा। यहाँ से बस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट करना है कि अगर आप ऐसे कट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर चलो मैं इसको पूरा कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू ये 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 जो है उसके नीचे आ जाएगा। अब इसको ऐसे एक ही बार कर देना, ये 3 आ जाएगा, तो जो सिंपली आंसर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 108। 36 × 3 = 108, तो ये हमारा आंसर है 108। तो ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अभी तक हमने किया मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रेशियोज में, बेसिक टर्म्स हैं पर इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में इसके वर्डिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 parts इन सच अ वे दैट 5th part ऑफ द फर्स्ट एंड 8th part ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो 3:4। द फर्स्ट पार्ट इज, तो यहां पे हमें दिया हुआ है कि 94 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 94 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो एक को फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं और एक को सेकंड पार्ट बोल देते हैं हम, तो ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है इनका ये फिफ्थ पार्ट का मतलब ये पार्ट वाला, ये वाला पार्ट नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फिफ्थ पार्ट का मतलब है 1/5 part, ये मीनिंग हुआ इसमें। और 8th part का मतलब हो गया 1/8 part, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का 1/5 कर दें अगर हम और सेकंड वाले पार्ट का 1/8 कर दें तो उनका रेशियो 3:4 आ जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको आप कुछ इजी वेरिएबल ले लो, इसको भी एक इजी वेरिएबल ले लो, यानी कि एक्स और वाई ले लो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका 1/5 एंड जो सेकेंड पार्ट है उसका 1/8, ये सेकेंड पार्ट है इसका 1/8, ये दोनों जो है फर्स्ट पार्ट का 1/5 करो, सेकंड पार्ट का 1/8 करो, इसका रेशियो 3/4
फोर गिवन है। अब सिंपली देख लो कि x और y का रेशियो क्या आ रहा है और उस रेशियो में हम 94 को स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, x अपॉन 5 है, ये उल्टा हो जाता है, ये 8 अपॉन y आ जाएगा 3/4। कैलकुलेशन जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, ये 15 हो जाएगा, ये 8 4 32 हो जाएगा, कुछ कट नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज आ जाएगा। देयरफॉर ये रेशियो आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का 15:32। अब ये हमारा सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन बन गया है, हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है, मतलब एक्स निकालना है या फर्स्ट पार्ट इसको जिसको हम बोल रहे हैं वो निकालना है। तो 94 टोटल है, इसको टोटल से डिवाइड कर दो, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 47 और जो पार्ट निकालना है उसकी वैल्यू यहां पे लिख दो, ये 47 2000 होएगा, तो 2 × 15 = 30, ये हमारा आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर सेकंड पार्ट निकालना होता तो हम यहाँ पे 15 की जगह 32 रख देते, तो 2 × 32 यानी कि 64 आ जाता हमारे पास सेकंड पार्ट। तो अभी फर्स्ट पार्ट निकालना था, दैट इज 30, तो ऑप्शन में जाके देखते हैं ये हमारा आंसर है। तो इसमें सिर्फ वर्डिंग्स थी क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आप हमारे चैनल पे दूसरे वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे शॉर्टकट्स मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।